नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज की इस पहली वीडियो में हम बात एक नर्स और एक डॉक्टर के बीच हुई हाथापाई की करने वाले हैं। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक नर्स अपने सीनियर डॉक्टर के मुंह पर सरेआम ऑन ड्यूटी थप्पड़ मार सकती है? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है मुरादाबाद में, जहाँ पर पहले तो नर्स और डॉक्टर के बीच कहासुनी हो जाती है और उसके बाद मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नर्स अपना आपा खो देती है और उसके बाद डॉक्टर के मुंह पर तमाचा जड़ देती है। अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, किस तरीके से डॉक्टर और नर्स के बीच हाथापाई हुई और उसके बाद नर्स ने डॉक्टर के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। बाद में डॉक्टर साहब का भी गुस्सा फूटा और फिर देखिए उन्होंने कैसे नर्स की पिटाई कर दी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, देखिए आखिर ऐसा क्यों हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कोरोना काल में डॉक्टर और नर्स किस हालत में काम कर रहे हैं। दरअसल यहां के रामपुर जिला अस्पताल में एक डॉक्टर और नर्स के बीच गाली गलौज की नौबत आ गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बात आगे बढ़कर हाथापाई की नौबत तक आ पहुंची। नर्स वीडियो में डॉक्टर को कुछ कहती हुई नजर आ रही है और बाद में वो डॉक्टर को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद डॉक्टर ने भी नर्स को पीट दिया। पुलिस और अस्पताल कर्मियों के सामने हुई इस घटना से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस और कर्मचारियों ने दोनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। दरअसल घटना करीब रात 9:30 बजे की है, जब अस्पताल की इमरजेंसी में किसी मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से मृत्यु प्रमाण पत्र देने को कहा। आरोप है कि डॉक्टर ने वार्ड में तैनात नर्स से पहले लिखा कर लाने को कहा। परिजन जब नर्स के पास पहुंचे तो नर्स गुस्से में आ गई और उसके बाद देखिए क्या कुछ हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए News Times 24 के साथ।